बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको ज़िला कसूर के गांव कौड़स्याल में लेकर आया हूँ और आज मैं आपको दिखाऊँगा इस गाँव में लोगों का रहन सहन और यहाँ के लोगों की खेती बाड़ी और माल मवेशी। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ हमारे करीब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक छोटी सी हवेली है जिसमें मवेशी रखे हुए हैं। मैं आपको इन मवेशियों की तरफ लेकर जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सामने बकरियाँ खड़ी हैं और ये इस हवेली में भैंसें हैं। आपने देखा, और ये भी बकरियां हैं। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैं इस गांव में दाखिल हो चुका हूं। या मेरे पीछे देख सकते हैं ये हवेलियां, और ये मेरे साथ ये देखो ये भाई बैठे हुए हैं जो हुक्के को ताज़ा कर रहे हैं, और हम इनसे बात भी करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये छोटा सा पिंड है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं गाँव। हाँ जी भाई जान, क्या नाम है आपका? अल्लाह इत्ताद। भाई जान आप ये हुक्के को ताज़ा कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आग जली हुई है और ये सामने मवेशी भी खड़े हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? मजदूरी किसकी? माल डंगर की जिम्मेदार। अच्छा, माल डंगर को आप संभालते हैं। और इस गांव में कितनी आबादी है? 250 घर होंगे इस आबादी में। और ये भाई जान घर हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अली शेर। आप भी यहाँ यहीं के रहशी हैं? अच्छा, आप क्या काम करते हैं? जिम्मेदार काम। ये भी जिम्मेदारा करते हैं, खेती बाड़ी जैसे कहते हैं। कितनी खेती बाड़ी करते हैं आप? पाँच छः एकड़ कह रहे हैं। और आगे भी हम आपको लेकर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा गांव है, नाम इसका कौड़स्याल है। ज़्यादातर यहाँ सियाल ही रहते हैं, सियाल कौम है। कौन सी गांव में? बोखर प्यादरी। सारे पिंड ये खोखर बरादरी से तल्लक रखते हैं। मैंने सियाल कह दिया, सियाल नहीं है ये, खोखर बरादरी से तल्लक रखते हैं। ये इस गांव में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर खोखर बरादरी से तल्लक रखते हैं। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। छोटा सा गांव है और इसके ये गलियां बाजार गांव की आबादी के लिहाज से शादा है।
ये इस गांव की मैं एक गली में हूँ, आप देख सकते हैं छोटी सी गली है, कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमल। देख सकते हैं छोटी सी झोंपड़ी जिसके नीचे जानवर बांधे जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। और ये सामने सूरज डूबता हुआ, अब मैं उसी गली जो मैंने अपने आपको पहले गली दिखाई थी उसी गली में हूँ। और यहाँ एक भाई साहब खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? हाँ जी सैफुल्लाह। भाई क्या करते हैं आप? दिहाड़ी मेन। दिहाड़ी मेन इसी गांव के रहशी हैं? अच्छा, दिहाड़ी मेन थे किस पर? सेलर पे काम करते हैं। सही है। और आप शादी हुई है? शादी नहीं हुई। चलो ठीक है। ये आप देख सकते हैं जानवरों का बाड़ा, यहाँ जानवरों को रखा जाता है। ये बांसों की लकड़ी से तैयार हुआ है, चारों तरफ है ये बांसों की लकड़ी रखी हुई है ताकि जानवर बाहर ना निकले। ये आप देख सकते हैं, और ये सामने इसे पाठ कहते हैं, यहाँ पर गांव की औरतें रोटियाँ पकाती हैं और यहाँ पर दाने भुने जाते हैं। Thank you.
तो हम इस भाई जान से बात करते हैं और इससे पूछते हैं, ये जो मवेशी खड़े हैं ये सभी इसी के हैं, और इससे पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन सी भैंसें दूध देती हैं। हाँ जी भाई जान, क्या नाम है आपका? मोहसन अली। और आप दाएं ये सामने जो भैंसें खड़ी हैं इधर, इनमें से कौन कौन सी दूध देती? सभी दूध देती हैं? नहीं, बस दो ही देती हैं। दो ही देती हैं। आप खड़े हो क्या हैं, जरा मेरे साथ आएँ। और ये देखें, ये भाईजान और ये भैंसों के नज़दीक खड़े हैं और इनसे पूछते हैं, ये जो भैंसें हैं इनको चारा कौन डालता है? ये डालते हैं या इन्होंने मुलाजम रखा हुआ है? हाँ जी बताएँ। मुलाजम रखा हुआ है। अच्छा, ये कितनी भैंसें हैं? छः भैंसें। और ये साथ उनके कट्टे हैं? इनके कट्टे हैं। और वो जो ऊपर खड़ी है भैंस, वो वाली? वो हमारे मुलाजम की। वो मुलाजम की। वो आप सामने देख सकते हैं कि कुछ लोग धान की कटाई कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, क्लोज करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी हैं और इनमें बड़े भी हैं। गांव की आबादी से बाहर आ चुका हूं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे शैलर है, ये यहां पर चावल तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे बिल्कुल बैक साइड में। क्योंकि वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएँ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा।